अच्छाई और बुराई, जिनके बीच हर लोक में हर युग में महायुद्ध होता आया है। बुराई ने हमेशा अपने काले साए को फैलाया, पर उस साए को रोशनी बनकर चीरता हुआ कोई ना कोई योद्धा हर बार सामने आया। वैसे ही एक योद्धा की वीरता की कहानी है ये, जो बरसों से धरती को बुरी शक्तियों से बचाता आया है। दुनिया का रक्षक, सबका लाडला बालवीर, वही कहीं हजारों कोस दूर बुराई का काला घना अंधेरा और घना हो रहा था। इस अंधकार का एक ही मकसद था, हर अच्छाई का बुराई की लौ से विनाश करना। और इस अंधकार का केंद्र बिंदु था काल लोक और वहां की भैरानी तिमनासा। सुंदर लड़की, सुंदरता ज्यादा दिन रहती नहीं, और जो चीज तुम्हारे साथ ही नहीं रहने वाली तो क्यों ना तुम उसी का साथ छोड़ दो। तिमनासा जिसे मिलती है उसकी सबसे कीमती चीज अपने पास रख लेती है। तुम्हारा ये तोहफा मैं कभी नहीं भूलूंगी। शुक्रिया। कौन कहेगा कि मैं किसी परी से कम लगती हूं। खुश रहो परियो, खुश रहो। खुश रहो बाल परी, खुश रहो। परियो, आज बाल रक्षा दिवस है। धरती पर जो भी बच्चे पैदा होते हैं हर वर्ष, उन सारे बच्चों की रक्षा करने का आज हम प्रण लेते हैं, और हर एक बच्चे के नाम का एक एक कंदिल चलाकर हम आसमान में छोड़ते हैं, और यही कामना करते हैं कि हर एक बच्चा इस कंदिल की तरह हमेशा जगमगाता रहे और आसमान की ऊंचाइयों को छूता रहे। पानी परी, वहां शायद खतरा है। कौन हो तुम? भूचाल हूं मैं। यहाँ क्या करने आए हो?
तुम सबको खत्म करने के लिए आया हूं। ज्वाला परी भूचाल, बालपरी, अब हम क्या करें? हम सबको मिलकर वार करना होगा। पचकानी शक्तियों से काल शस्त्र का मुकाबला करोगे? काल शस्त्र का? बालवीर को आज उसी के लिए तो आया हूं मैं। दिल से बुलाया, बालवीर आया। परीलोक में बिन बुलाए घुसने की सजा जानता है? जम के धुलाई और बेइज्जती अलग से, पर तुझे देखकर लगता है कि तुझे तो मार खाने की आदत है और इज्जत तेरे पास ज्यादा है नहीं। तो बता, पहले बची कुछ इज्जत उतारो या फिर पिटाई से शुरू करो? वैसे है कौन तू? किससे भेजा है तुझे? तौबा, नन्ही उंगली की कसम, तौबा, परीलोक पर तो ये हो गया। क्या हो गया? ये हमला, तौबा। हमला नहीं, उसे कमाल बोलते हैं, कमाल। कैसा कमाल? तौबा, हमारे काल लोक के भैमार का कमाल। भैमार का कमाल? परीलोक तबाह करने के लिए भैमार अपना सिपाही काल लोक से परीलोक में भेज चुका है, वो भी काल शस्त्र के साथ। काल शस्त्र? हाँ। नन्ही उंगली की कसम,
ये जानते हुए भी कि इसका इस्तेमाल तो सिर्फ वो कर सकती है। कौन कर सकती है? काल लोक की भैरानी, भैरानी तिमनासा। अब तुम्हारी तिमनासा को हटा के भैमारी बनेगा काल लोक का नया भैराजा। भैरानी तिमनासा, भैरानी तिमनासा। ठीक से प्रैक्टिस नहीं की, कोई बात नहीं। चुटकुला सुनाओ। हाँ? चुटकुला? मुझे नहीं, अक्रूर को। ओ, अक्रूर! मैं सुनाता हूँ। एक बार एक हाथी और चींटी। अक्रूर को हाथी पसंद नहीं। भैरानी, चुटकुला। अरे तुम तो अपनी नन्ही उंगली से गुदगुदी कर दो, अक्रूर को हंस पड़ेगा। है ना अक्रूर? भैमार, तुम ही क्यों नहीं सुना देते कोई चुटकुला? मैं काल लोक में चुटकुले सुनाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। चलो मैं ही सुना देती हूं आज चुटकुला। तो एक था काल लोक और एक थी उस काल लोक की भैरानी तिमनासा, और एक था उस काल लोक का सिपाही भैमार। एक दिन भैमार ने भैरानी तिमनासा से पूछे बिना काल शस्त्र से परीलोक पर हमला करा दिया। क्यों? क्योंकि उसे तो काल लोक का भय राजा भय मार बनना था, उसे तो इस तख्त पर बैठना था बालवीर को मार के। ए, चुप ना, क्यों बेकार में गला फाड़ रहा है? इतना गुस्सा मत कर, किसी दिन हार्ट फेल हो जाएगा और टेंशन से बाल भी झड़ते हैं, पता है ना? We'll be right back.
से दिन खाना बन जाओगे मेरा। संभालो अपनी फौज को भाई रानी तिमनासा, क्योंकि यहां अब मेरा हुक्म चलने वाला है। मेरा भेजा हुआ सिपाही बहुत जल्द काल शस्त्र से परी लोक को नष्ट करके आने ही वाला है, और नियम कायदा दस्तूर यही है, जो भी बालवीर और परीलोक पर विजय प्राप्त करेगा ये काल लोक का तख्त उसी को मिलेगा। अब बालवीर को कोई नहीं बचा सकता। बार बार सुपर हीरो जम करता है, जुड़ों में दर्द नहीं होता? आराम से कूदना, रिलैक्स। फालतू में पावर वेस्ट क्यों करनी? पावर का तो सही टाइम पे यूज करना चाहिए। ऐसे बालवीर, आंखें खोल, देख अपनी आंखों से परीलोक का अंत। मार दिया बालवीर को, मारा गया बालवीर। क्या हुआ? सब लोग रुक क्यों गए? जश्न मनाओ, बोलो भय राजा भय मार की जय हो जय हो। लेकिन उससे पहले मेरे सिपाही को एक इनाम तो दे दो, इतना बड़ा काम जो करके आया है। तो आज तुम्हें छोड़ के काललोक में सबकी जीत हुई है, सबको मार डालोगी? मारती तो मैं इसे भी नहीं, अगर ये अपना काम पूरा करके आया होता तो। क्या मतलब? पानीपुरी, बालवीर, परिया, परी, बालवीर, 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 बालवीर उठो, बालवीर उठो, उठो बालवीर, बालवीर।
धरती लोक पे लोग अपना जन्मदिन मनाने के लिए मोमबत्तियां लगाते, हम काल लोक पे किसका जन्मदिन मना रहे भैरानी तिमनासा? माफ कीजिएगा, भूतपूर्व भैरानी तिमनासा? तिमनासा ना कभी भूतपूर्व थी और ना कभी होगी। जी जी जी। ये लॉ देख रहे हो भैमार? ये प्राण ज्योत है। प्राण ज्योत? हाँ, प्राण ज्योत। इनमें से हर एक लॉ के साथ परियों के प्राण जुड़े हुए हैं। वहां जिस भी परी के प्राण निकलते हैं, यहाँ पर उनसे जुड़ी वो लॉ बुझ जाती है। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ लॉ जल रही है भैमार, इसका मतलब जानते हो? कि अभी भी कुछ परियां जिंदा हैं। और काल लोक के कभी ना होने वाले भय राजा भैमार, ये बालवीर की प्राण ज्योत है। जो अभी भी जल रही है। और इसका मतलब जानते हो? ठीक तो है ना? लेकिन लेकिन परी लोग, परिया माँ, हमें सबको बचाना होगा। सबको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। ऐसी कौन सी जगह है बालवीर, जहाँ वो लोग दोबारा हमला नहीं कर सकते? वीरलोक। हाँ, शौर्य ने हमेशा हमारी मदद की है, वही है जो हमें इस मुसीबत से निकालेगा। हमें जल्द ही जाना होगा। लेकिन लेकिन हम वहां जाएंगे कैसे? कहीं शत्रुओं ने यहाँ पर भी हमला कर दिया तो? नहीं ज्वाला परी, ये वीरलोक सुरक्षित है। यहाँ कोई बुरी शक्ति हम पर हमला नहीं कर सकती।
काल शस्त्र। 20 साल लगे थे मुझे काल शस्त्र बनाने में। एक काल शस्त्र भी था जिससे बालवीर मर सकता था। जीवन में एक बार ही प्रयोग होता है उस काल शस्त्र का, और तुमने भयमार, तुमने सब बर्बाद कर दिया। किस लिए? अपनी घृणा, अपनी ईर्ष्या की वजह से सब बर्बाद कर दिया तुमने। पर हमें जल्दी से बालवीर को जीवन दृष्टि किरण देनी होगी। कैसे मारेगा बालवीर? कौन मारेगा बालवीर को? बोलो भैमार, कौन मारेगा बालवीर को? क्या पूछेगी ये लो? ये क्या? जीवन दृष्टि किरण तो पूछ गए। पूछ गए भाई रानी तिमनासा। बालवीर की प्राण ज्योत बुझ गई। बालवीर, बालवीर, बालवीर उठो, बालवीर, 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 बालवीर उठो। बुझ गई। बालवीर, वीरलोक में बालवीर को कौन मारेगा? परिमा बताओ ना, परिमा बताओ ना। बालवीर को मैंने मारा है। अब यहां की भय रानी नहीं रही तुम, क्योंकि काल लोक का नया भय राजा है भयमार। ए भय राजा भयमार की हो, हो, हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। भय राजा भयमार की जय हो, जय हो। ए भय राजा
मारा बालवीर को? हाँ। ये सुरक्षा कवच सबको सुरक्षित रखेगा। बालवीर को बचाने के लिए बालवीर को ही मारना जरूरी था। क्या? दुश्मन बहुत ही खतरनाक था। उन्हें कुछ समय के लिए भ्रमित करने के लिए मैंने बालवीर की सांसें छीन ली हैं, ताकि वो वापस उसे ढूंढ ना पाए। और अगर बालवीर बुरी शक्तियों से मरता तो फिर कभी जिंदा नहीं हो पाता। मैंने बालवीर की धड़कन सिर्फ कुछ वक्त के लिए रोकी है। इसका मतलब है कि अब बालवीर फिर से जिंदा हो सकता है। हाँ। बालवीर को होश आ गया। बालवीर लेकिन शौर्य, हमारा ये हाल करने वाला है कौन? किसने किया है परीलोक पर हमला? काललोक? हाँ, काललोक। हाँ ज्वाला परी, वही काललोक जो परीलोक से हजारों प्रकाश वर्ष दूर है, जहाँ बुरी शक्तियां बसती है। हाँ, वही काललोक। ये है काललोक। मुझे कुछ समय से अंदेशा था कि परीलोक पे कोई तो बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इतना बड़ा ये नहीं सोचा था। और आज जिस शस्त्र से परीलोक पे हमला हुआ उसका पता लगाया तो मालूम पड़ा ये हमला हुआ कहां से। पता चला है ये राज करती है उसका लोक पे वहां की रानी तिन्नासा। ये समय धैर्य रखने का है बालपरी। बालवीर के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। बालवीर कहां गया?
मक्खी मच्छर मारने नहीं आया मैं यहाँ। दिल से बुलाया, बालवीर आया। सॉरी, इस बार तो किसी ने बुलाया नहीं, पर बात अगर सबक सिखाने की हो तो बिन बुलाए भी आना पड़ता है। सबक तो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी। और ये सबक तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सबक होगा। क्या बात है, यही सेम बात तो मैं तुम्हें बोलने वाला था। देखने में तो तुम बड़े लगते हो और बातें बच्चों जैसी। लगता है तुम्हें किसी ने मेरे बारे में बताया नहीं। तुम्हारी परी माँ ने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे तुम्हारी ना ये बातें पसंद है और ना ही ये शक्ल। हमेशा इतनी डरावनी दिखती हो या आज कुछ खास मेकअप लगाया है? खैर, आज इस शक्ल के साथ तुम्हारा आखिरी दिन है। ठीक से दिखाई भी नहीं देता बालवीर, तुम दुनिया क्या संभालोगे? चलो एक काम करती हूँ, आज मैं तुम्हें तुम्हारी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर देती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। दुनिया मैं संभाल लूंगी। तुम संभालोगे दुनिया? रानी हूं मैं काल लोक की, भैरानी। एक दिन मेरे नाम का भय पूरी दुनिया पे राज करेगा। जो सर झुकेगा वो जिएगा, और जो सर उठेगा वो कटेगा। दुनिया पर राज भय से नहीं, प्यार से किया जाता है। अगर प्यार है तो नफरत भी तो जरूरी है ना। अगर नफरत ना होती तो क्या करता बालवीर? चुटकुले सुनाता। ये मत भूलो बालवीर कि अगर मैं हूं तो तुम हो, और अगर मैं नहीं तो तुम भी नहीं। तुम्हारा होना पूरी दुनिया के लिए नुकसानदायक है।
इस ब्रह्मांड में सबको जीने का अधिकार है सिवाय तुम जैसों के जो ना ही जीते हैं और ना ही जीने देते हैं। मेरे कदमों में एक आदत है कि वो जिसे मिलती है उसकी सबसे कीमती चीज सबसे अच्छी चीज अपने पास रख लेती है। सुना है बालवीर का दिल बहुत अच्छा है, तो क्यों ना आज मैं तुम्हारा दिल निकाल कर काल लोक में रख लूं। हमेशा तुम्हारी याद बनकर रहेगा।
अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कौन बचाता उन बच्चों को जो मुसीबत में बालवीर बालवीर करके पुकारते? मुझे वो परिया भी पुकार रही थी जिन्हें मैं बचा नहीं पाया। और आप कहते हैं मैं उसका बदला भी ना लूं? बालवीर, तुम्हारी शक्तियां कम हो रही हैं। जब से उनके उस काल शस्त्र ने तुम पे वार किया है, तब से हर बीतते पल के साथ तुम्हारी शक्तियां कम हो रही हैं। तुम जितनी बार अपनी शक्ति इस्तेमाल करोगे उतनी बार तुम्हारी शक्ति कम होती जाएगी। शायद तुम्हारी मौत भी हो जाए बालवीर। नहीं हो सकता, मेरा बालवीर नहीं मर सकता। शौर्या, शौर्या, कोई तो रास्ता होगा मेरे बालवीर को बचाने का, कोई तो तरीका होगा जिससे ये दुनिया अपने बालवीर को ना खोए। हाँ, उसका एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? दुनिया को उसका नया बालवीर मिल जाए। क्या? नया बालवीर? हाँ। कौन होगा नया बालवीर? लल्लू पार्टी, स्टेज के आसपास भटकना भी मत, पप्पा के सामने डांस सिर्फ चिंटू करेगा, समझे? जा। विवान! अब वक्त आ गया है दुनिया के नए रखवाले की खोज करने का। जैसे कभी तुमने इस बालवीर की थी वैसे ही अब इसके उत्तराधिकारी की करनी पड़ेगी। कहा था कि तू डांस करेगा, लेकिन वहाँ डांस करने चिंटू आ रहा है, अब कैसे करेगा? वो जो इसी की तरह हर मुश्किल में अपना रास्ता खुद बनाएगा। एक बार जो विवान ने कमिटमेंट कर दी फिर वो सलमान की भी नहीं सुनता, एंड तो आज से विवान ही करेगा। अरे भैया कहाँ जा रहे हो, डांस उधर होगा। अरे चिंटी, आज तेरा भाई जो है ना बैक स्टेज से ड्रामेटिक एंट्री करने वाला है, फुल हीरो टाइप। जा, तू जाके फूल बरसा देना। ठीक है। वो जो गिरे हुए को सहारा देगा। वो जो दूसरे की मुसीबत अपने सर ले लेगा।
हर कमजोर, हर जरूरतमंद की आवाज बनेगा। विवान, आप पता चलेगा कौन है इस कॉलोनी का बेस्ट डांसर। उससे अच्छा और कोई नहीं होगा जो इस बुराई की लड़ाई में तुम्हारा साथ दे सके। वो आएगा तो ही तुम्हारी भी शक्तियां बच पाएंगी। अब इस बालवीर की किस्मत उस बालवीर के हाथों में है, और उस बालवीर को ढूंढना इस बालवीर के हाथों में। तेरा ही गणपति बप्पा मंगल मूर्ति गणपति बप्पा। तो अगले बालवीर को ढूंढने का टाइम आ गया। अपना टाइम आएगा। वाह वाह वाह, उत्तम परफॉर्मेंस, एकदम बेस्ट। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज हो जाए हमारी कॉलोनी के सलमान यानी विवान के लिए। ये ट्रॉफी और ये छेड़ा स्टोर का एक महीना फ्री आइसक्रीम का वाउचर। ये ट्रॉफी और इनाम मेरे भाई चिंटू का है। ये मुझे। अरे अरे ये मेरा ट्रॉफी है। पर बेटा डांस तो विवान ने किया था और तुम्हारा भाई तो कहीं दिखाई भी नहीं दिया। अरे मैं यहाँ हूँ। नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। विवान, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरा उत्तराधिकारी जो मेरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएगा उसे ढूंढेंगे कहां शौर्य? इतने बड़े ब्रह्मांड में कहां मिलेगा वो? उसी का जवाब जानने के लिए ही मैं तुम्हें परितारा के पास लेके आया हूं। परितार परियों की शक्ति का तारा परितारा। परितारा
ही कर क्या रही है? नहीं, आग तो नहीं लग गई इनकी? जवाब महाबुद्धिजीवी जगदाली जैसा ही कोई दे सकता है। जगदाली जी बताइए, कहाँ गया वो शेर? बताइए। मेरा सवाल तुम बेवकूफों से नहीं था। जो मुझे नहीं दिख सकता वो तुम गधों को दिखेगा। जंगल का राजा शेर जब बूढ़ा हो जाए तो उसे दिखना कम हो जाता है। अरे पर वो शेर तो कमाल का था, कब आया कब गया पता ही नहीं चला। मैं उस शेर की नहीं, इस शेर की बात कर रहा हूं जिसके मुंह से वो निवाला छीन के ले गया। जब जंगल का राजा अपना भी शिकार ना बचा पाए तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसका वक्त अब खत्म हो चुका है। कभी कभी तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। यही परितारा हमें अगले बालवीर तक पहुंचाएगा। विवान, कहां तक छुपेगा? आज तो तू नहीं बचने वाला। विवान, देखा गोपू चुतली, बोला था ना एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी ना, फिर मैं सलमान की भी नहीं सुनता। पूरे महीने की आइसक्रीम का वाउचर मस्त मिलके खाएंगे। कौन है? अरे मम्मी क्या कर रही हो? आ नहीं, तू आ जा। मजाक बना के रखा है। मम्मी दिन भर काम करे और शाम को आके पड़ोसियों से तेरी शिकायतें सुने। आपके बेटे ने कभी लैंप तोड़ दिया, कभी खिड़की तोड़ दी। कुछ भी, मैं सेम घर की दो चीजें कभी नहीं तोड़ता। पक्का शर्मा आंटी नहीं बुला होगा, वो हमेशा एक पे एक फ्री शिकायत लगाती रहती है। मम्मी मेरा कान छोड़ो, दर्द होता है। अच्छा, दर्द होता है? चिंटू को नहीं हुआ होगा दर्द? हाल कर दिया तूने बेचारे का? कसम सलमान की, थप्पड़ से डर नहीं लगता लेकिन झाड़ू से लगता है। प्लीज मम्मी, झाड़ू नहीं। नहीं नहीं नहीं। तो फिर क्यों तूने चिंटू की बैंड बजाई? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रुक। अरे अरे, वो सब गलती तो चिंटू के पापा की है। क्या? हाँ, वो है ही इतना अमीर, हर साल सबसे ज्यादा चंदा देते हैं। तो चिंटू को लगता है कि सिर्फ वही डांस करेगा। क्यों, अपने टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है क्या? कसम सलमान की, तेरी कसम अभी निकालती हूँ मैं। रुक रुक, एक सेकंड रुको तो सही, एक सेकंड रुको। मम्मी, पूरे इंडिया में मेरे जैसा डांसर नहीं मिलेगा आपको। इस रोशनी से रास्ता मिलेगा हमको। ये रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी, सृष्टि के कोने कोने तक इसकी किरण पहुंचेगी। और ये रोशनी उस बच्चे तक पहुंचते ही हम तक लौट कर आएगी और हमें रास्ता दिखाएगी कि इस वक्त कहां होगा दुनिया का अगला बालवीर। अरे मम्मी, आपको मेरे कान से ही क्या दुश्मनी है? ये झाड़ू ना, तेरे अंदर से शैतानी का भूत उतारेगी। नहीं, एक मिनट। शैतानी? अच्छा अच्छा, शैतानी। इसे शैतानी नहीं, सोशल सर्विस कहते हैं। सोशल सर्विस? हाँ, अब आप ही सोचो, चिंटू जब भी डांस करता है लोगों को कितना टॉर्चर करता है। बेशरम बेशरम बेशरम। अरे रुक रुक,
लोक के होनहार निकम्मो, आज तुम्हारे पास एक मौका है। अगर तुम चाहते हो कि तिमनासा तुम्हारे ऐशो आराम ऐसे ही बर्दाश्त करती रहे, तो आज अपनी भैरानी को खुश करके दिखाओ। आज अपनी वफादारी साबित करो अपनी भैरानी के सामने। जाओ जाकर ढूंढो कि वो शेर कौन था जो बालवीर को लेकर गायब हो गया, और अगर वो भी नहीं तो उन परियों को ढूंढ कर लाओ। अगर एक भी परी तुम्हें मिल गई तो उसे मेरे सामने ले आना बंदी बनाकर, बाकी की गुत्थी मैं खुद सुलझा लूंगी। परितारा ने अगले बालवीर का पता लगा लिया है। विवान! विवान! तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे चिल मॉम, मुझे क्या होगा। और देखा आपने, भगवान भी मेरी फोटो खींचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बनूंगा। पागल, चल अब कोई कहीं नहीं जाएगा। अब सबको एक ही जगह जाना है। कहाँ शौर्य? पृथ्वी। पृथ्वी लोक। पृथ्वी लोक। पृथ्वी लोक। पृथ्वी पे मिलेगा तुम्हें तुम्हारा उत्तराधिकारी। लेकिन शौर्य, ब्रह्मांड में फैली परितारा की रोशनी कालोक से भी तो नजर आई होगी, उन्हें भी तो कुछ संकेत मिले होंगे। हम तो मकसद से जा रहे हैं, लेकिन वो भी हमारे पीछे जरूर आएंगे। इसीलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हें? आप हमारे साथ नहीं आएंगे? तुम्हें राह दिखाना मेरा काम था, उस पे चलना तुम्हारा काम है। लेकिन शौर्य, पृथ्वी पर तो लाखों करोड़ों बच्चे हैं, उनमें से उस बच्चे को मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा? उसके हाथ पे भी ठीक तुम्हारे जैसा ही ये निशान होगा। अबे लल्लू पार्टी, विवान किधर है? आप कौन? मैं कौन? मैं बच्चों का रखवाला बालवीर। बोल विवान को, सुपर हीरो बालवीर आया उससे मिलने। सुपर हीरो? इतने मोटे?
हाँ तो सुपर हीरो खाते पीते घर का नहीं हो सकता। मेरे मोटापे पे मत जा, अभी अपनी पावर दिखा दी ना तो उड़ता हुआ पता नहीं कहाँ चले जाएगा। अब बता विवान किधर है? उसने मेरे दोस्त चिंटू के साथ जो किया वो ठीक नहीं। चिंटू ने तो कभी नहीं बताया कि उसका दोस्त बालवीर है। मम्मी अबे बेबी एलिफेंट, तुझे डरा नहीं था तो भूत बन के डरा था, डरा है भी तो बालवीर बन के जो है ही नहीं। किसने कहा नहीं है? बालवीर है विवान। चुप कर, होता है वो जो दिखता है, जैसे ये मटे का पेट। बालवीर दिखाएगा भी, बालवीर बालवीर कुछ नहीं होता, समझा ना? अभी चल। नन्नी उंगली की कसम, बहरा नहीं बताइए ना धरती पर आपको क्या दिखा, बालवीर उस शेर या कोई परी? या तुम्हारा गाल, ज्यादा बड़बड़ मत करो वरना पड़ जाएगी ये। हाँ, उम्मीद की एक किरण जो अब उनके लिए अंधकार बनेगी। हाँ, पर उस रोशनी से आपको ये कैसे पता चला कि वो लोग पृथ्वी पे मिलेंगे? ऐसा मैं नहीं, ये जबदाली पूछना चाहता है। क्योंकि उस रोशनी से मेरा बहुत पुराना नाता है। कैसा फैरानी नाता? हर बात पूछी नहीं जाती। जब से उनके उस काल शस्त्र ने तुम पे वार किया है तब से हर बीतते पल के साथ तुम्हारी शक्तियां कम हो रही हैं। उसका एक ही रास्ता है, दुनिया को उसका नया बालवीर मिल जाए। बालवीर, शायद तुम्हें इस बात की चिंता है ना कि अब तो एक नया बालवीर आ जाएगा। हाँ, पकड़ लिया आपने मुझे। उसके आने से मेरा काम तो आसान हो जाएगा लेकिन आपका प्यार तो आधा आधा बढ़ जाएगा। तो बालवीर को इस बात की चिंता है कि मेरा प्यार आधा आधा बढ़ जाएगा। बदमाश कहीं के, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ये बात मान लूं? हाँ, अब सच सच बताओ, इतनी चिंता किस बात की हो रही है? माँ, मेरे सामने चुनौती बहुत बड़ी है और वक्त बहुत कम। मुझे बस इसी बात की फिक्र है कि अगर वो मुझे नहीं मिला तो दुनिया की रक्षा कौन करेगा? बालवीर किसी बात को ठान ले और वो बात पूरी ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी शक्तियां कम हो रही है और बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। मेरी तरकश में एक ही तीर बचा है और मुझे उसे सही निशाने पे लगाना ही पड़ेगा। अगर मैं चूक गया तो सब खत्म हो जाएगा। मां, नहीं चूकोगे बालवीर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बहुत ही जल्द तुम नए बालवीर को ढूंढ लोगे। इससे पहले तिमनासा मुझ तक पहुंचे, मुझे अपने साथी बालवीर को ढूंढना होगा। फिर से बालवीर? अरे सच्ची में, सब लोग कह रहे थे बालवीर ने ट्रक उठाया और बच्चों को बचाया। हाँ विवान, जिसको देखो बालवीर बालवीर। कल वो टिंटू भी बालवीर बन के ही आया था ना। वैसे मैं बता दूँ, बालवीर बालवीर कुछ नहीं होता। क्या क्या क्या, वर्ल्ड में सिर्फ एक हीरो है, वो है सलमान। बालवीर इज अमित। अभी चलो, स्कूल बस छूट गए ना तो तुम लोग का बालवीर नहीं आएगा लिफ्ट देने के लिए। चल गुब्बू जल्दी। भैरानी, क्या बालवीर और परियों को ढूंढने के लिए भैमार को भी वहाँ भेजेंगी पृथ्वी में? नहीं नहीं भैरानी, मेरा मतलब है कि नन्ही उंगली की कसम, इस भैमार पर तो वो किया ही नहीं जा सकता। भरोसा, वो पक्का आपका सारा का सारा काम बिगाड़ देगा। और कहीं नीचे जाकर वो दुश्मनों से मिल गया तो? नहीं जबदादी, भैमार मुझसे कितना भी जले, इस तख्त से मुझे हटाने के लिए कितना भी तड़पे,
लेकिन काल लोग को वो कभी धोखा नहीं देगा। वो वार करेगा तो सामने से करेगा, पीछे से कभी नहीं, क्योंकि वो अच्छे वाला बुरा है। तारीफ के लिए शुक्रिया। ये अच्छा है तुम्हारा, जरूरत पड़ी तो दवा वरना जहर। लेकिन एक बात अच्छे से सुन लो तिमनासा, इसका लोक का नियम कानून दस्तूर यही है, जो बालवीर को मारेगा ये काल लोक का तख्त उसी को मिलेगा। इस बार अगर मैंने बालवीर को ढूंढ लिया और उसे मार दिया तो बिना कोई सवाल किए ये काल लोक का तख्त छोड़ देना अपने नए भाई राजा भयमार के लिए। नादानी और दिलेरी में बहुत रत्ती भर का फर्क होता है भयमार। बालवीर को ढूंढना अलग बात है, उसे मारना है। तो आजमा के देख लेते हैं, अगर तुम जीत गई तो मेरी नादानी का जश्न मना लेना, और अगर मैं जीत गया तो मैं अपनी दिलेरी का जश्न मना लूंगा। अरे होने वाले भाई राजा, मैं आपके ही साथ हूँ। अरे रुकिए भैरानी, इस पे नजर रखने के लिए मुझे भी जाना पड़ेगा धरती पे। आपको तो पता ही है ये भरोसे के लायक नहीं है। आता हो नन्नी उंगली की कसम भैरानी, दिन भर में अखरू जितना दहाड़ता नहीं है ना, उतना आपको ये ललकारता है। मेरी तो समझ में नहीं आता भैरानी, काल लोक में आप इसको बर्दाश्त कर क्यों नहीं। बहुत जल्दी समझ जाओगे। अब हमें बस इस निशान को ढूंढना है। जिस बच्चे के हाथ में ये निशान होगा वही होगा मेरा उत्तराधिकारी। बस चुंगम खाते हुए बच्चों का हाथ जरा ध्यान से देखना। सर ऐसा क्यों बालवीर? आजकल चुंगम के साथ ऐसे दिखने वाले टैटू बहुत मिलते हैं, पता चला हमने कहीं गलत बच्चा उठा लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अच्छा तुम चिंता मत करो बालवीर, हमें हमारा उत्तराधिकारी बहुत जल्दी मिल जाए। इतना आसान नहीं होगा परियो, हमें सावधान रहना होगा। हम यहाँ उस बच्चे को ढूंढने आए हैं, लेकिन काल्लोक की तिमनासा हमें ढूंढ रही होगी, इसलिए उसका खतरा हमारे सर पर हमेशा मंडराता रहेगा। हमें संभल कर आगे बढ़ना होगा।
रानी तिनवासा, ये कौन सी जगह है? ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। ऐसी बहुत सी जगह है जो तुमने नहीं देखी। रानी तिनवासा, भूचाल, इसे तो आपने मार दिया था। और अब इसे जिंदा भी मैं ही करूंगी। जागो भूचाल, जागो। भयानी, ये तो भयमार का वफादार था। मैं इसे जिंदा क्यों किया? क्योंकि अब ये मेरा गुलाम है और ये वही करेगा जो मैं इसे कहूंगी। और इस बार ये बालवीर को मेरे सामने लाएगा। मुझे उत्तराधिकारी ढूंढने के लिए जल्दी से अपना रूप बदलना पड़ेगा। चेक कर रहा था, ये सपना है या रियल? रियल है। बालवीर, भाई अपनी उम्र भूल गए क्या? याद नहीं है तो मम्मी से फोन करके पूछ लो। क्या इतने बड़ों की फैंसी ड्रेस में पार्ट लेने आ गए तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें बच्चों का हक मारते हुए? ओ हेलो, मैं बच्चों का हक नहीं मारता, उन्हें हक दिलाता हूँ।